हाय गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग सभी मजे होंगे। तो आपका फिर से स्वागत है एक बार और मेरे इस यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पर, जहां पर हम लोग आज इस वीडियो पे बात करने वाले हैं ओवर द टॉप जो कंटेंट रिलीज होने वाली है इस वीकेंड पर। और क्या वीकेंड होने वाली है आप लोग सोच ही नहीं सकते। मोस्ट एंटिसिपेशन और मोस्ट मच अवेटेड मूवीज इस वीकेंड पे रिलीज होने वाली है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पर, उसके बारे में हम लोग टोटल बात करेंगे दोस्तों। और मैं आप लोगों को पहले से बता दूं, हम उसी मूवीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। तो आप लोग जो बाई टॉप एयर पे जो बातें चलती है ना कि इस दिन ये आने वाले वो आने वाले, वो हम लोग सूबाजी कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तो सीधे अपने वीडियो पे बढ़ने से पहले मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट विजिट कर रहे होंगे, नए होंगे मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, भाई के नाते कर देना। नहीं होगा तो थोड़ा सा मेहनत करके उससे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर देना, और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं सीधे अपने वीडियो की तरफ से। तो जो फर्स्ट अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, वो आ रही है बीस्ट मूवी की। आप लोगों को पता होगा विजय थालापति सर की जो मूवी है बीस्ट, और हिंदी पे रॉ, और पता नहीं इन लोगों ने क्या मिसमैच करके दोनों का नाम चेंज किया है कि दोनों ऑडियंस को इसका जो नाम है वो ही पसंद नहीं आने वाला था। बाकी जो मूवी है आप लोगों को आज के दिन मिडनाइट को देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स में हिंदी ऑडियो के साथ में, और इसका जो रीजनल लैंग्वेज वो भी वहां पर नेटफ्लिक्स पे ऐड होगा। और जो हिंदी लैंग्वेज जहां पर रिलीज नहीं होने वाले वो है सन एनएक्सटी के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों क्लियर सी बात है, जहां पर हिंदी रिलीज होगी वहीं पर ऑडियंस ज्यादा होंगे। बाकी अगर मैं सेकेंड अपडेट की बात करूं दोस्तों, तो वो आ गया द मैट्रिक्स रिसर्चन के लिए। पता है आप लोगों को, जो इस मूवी के लवर होंगे, इस फ्रेंचाइजेस के लवर होंगे, वो ये मूवी है काफी ज्यादा उन लोगों को पसंद आने वाली है। मगर दोस्तों मैं लिटरली बोलने वाला हूँ, जब इस मूवी को मैंने देखा था तो डिसेंट मूवी है, अपनी खास नहीं लगी थी। बाकी अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी पसंद होती है। आपको ये मूवी देखना होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। कल के दिन यानी 12th ऑफ मई को अमेज़न प्राइम पे ये फिल्म रिलीज हो जाने वाली है, द मैट्रिक रिसरेक्शन। तो आप लोगों को ये मूवी देखनी है नहीं देखनी हो तो आपके ऊपर है। बाकी अगर मैं नेक्स्ट अपडेट की बात करूं दोस्तों, तो वो निकल के आ रही है द कश्मीर फाइल्स। हाँ दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स G5 पर 13th ऑफ मई को रिलीज हो जाएगी। और ये जो मूवी है ना, मोस्ट एंटिसिपेटेड और मोस्ट मच अवेटेड मूवी है OTT पर भी। इसकी इतनी ज्यादा वाई इन्होंने मतलब कि सिनेमास पे लूटने के बाद भी इस मूवी की जो OTT है ना, काफी ज्यादा अवेटेड है। कई सारे लोग इसको मैसेज कर रहे थे। तो ये मूवी अभी आप लोगों को 13th ऑफ मई में देखने को मिल जाएगी G5 पर। बाकी अगर मैं अगले अपडेट की बात करूं तो मुंबई लव ये जो है सीरीज है अमेज़न प्राइम पर 13th ऑफ मई को रिलीज होने वाली है, तो आपको इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 20 मई को पंचायत, आप लोगों को पता होगा जो वेब सीरीज थी या जो सीरीज थी, इसकी जो सक्सेस के बाद में सेकेंड पार्ट को रिलीज किया गया या सेकेंड सीजन को रिलीज किया गया, वो है 20 मई को पंचायत 2 के टाइटल नेम के साथ में। तो उस जगह भी आप लोग इस फिल्म को चेकआउट कर सकते हैं, अमेज़न के प्राइम में ये जो मूवी है देख सकते हैं। 20 मई को अमेज़न प्राइम पर जाके स्ट्रीम होते हुए फिल्म नजर आ जाएगी। बाकी सारे मूवीज की अपडेट निकल के आ रही है कि 27 मई को आपको जो KGF चैप्टर 2 है वो देखने को मिल जाएगी, मगर अभी तक उस पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या ऑफिशियल फिल्म मेकर्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो मैं उन लोगों के बारे में या उस मूवीज के पर्टिकुलर बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। बाकी इस वीकेंड पर आप किस मूवी पर भरोसा करने वाले हैं, किस मूवी पर आप टाइम स्पेंड करने वाले हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने इसमें से किसी मूवी को देखा होगा और आप किस मूवी से कितना मतलब कि एक्सप्रेस करने के बाद कितनी आपको फिल्म अच्छी लगी है, वो भी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। और जाते जाते मैं आपको ये भी कह दूंगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर दोस्तों। मैं इसी तरह के मूवीज के अपडेट्स के लिए बाय बाय, धन्यवाद, और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसे भी करना मत भूलिएगा दोस्तों। बाय बाय।